गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स के सजेशन देना चाहूँगा जो हर एक पोर्टफोलियो में इंक्लूड होने चाहिए, यानी कि कोर प्रोडक्ट होना चाहिए हर एक पोर्टफोलियो का। सबसे पहले पोर्टफोलियो को आपको बैलेंस बनाना सीखना है, जिसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे चार पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाते समय। सबसे पहले जो सेक्टर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है मेटल सेक्टर, सेकेंड बैंकिंग सेक्टर, थर्ड फार्मा सेक्टर, फोर्थ टेक्नोलॉजी और फिफ्थ आता है कंज्यूमर स्टेबल्स। मैं रिपीट करता हूँ, पहले मेटल, साथ में टेक्नोलॉजी, उसके बाद फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और कंज्यूमर स्टेबल। ये जो पांच सेक्टर है कॉन्स्टेंटली हर एक पोर्टफोलियो में आपके पास होने ही चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सेक्टर में तीन से ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर फार्मा में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फार्मा के तीन से ज़्यादा स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सपोज़ एक सेक्टर में कुछ बैड न्यूज़ आया तो तीन से ज़्यादा स्टॉक अगर रहेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो पूरा नीचे आ जाएगा और एक सेक्टर की वजह से बाकी सब सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो एक सेक्टर में तीन से ज़्यादा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये कुछ सेक्टर रिकमेंडेशंस थे जो मैं आज आपके लिए लाया था इन टर्म्स ऑफ कोर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। थैंक यू।